मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर चैनल ज्ञानी अंकित शर्मा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब भाइयों बच्चे होंगे? अभी उठ चुके हैं सो के, दोबारा सो गए थे और सोए तो उस रूम में थे, लेकिन सुबह पापा को भेजने के बाद मैं यहीं सो गई थी पापा वाले रूम में ही। और आज काम है बहुत, वैसे देखा जाए तो आज है सप्तमी, सातवां व्रत है। कल मैंने ब्लॉग स्किप कर दिया था, छठा व्रत मैंने नहीं शूट किया था, छठा ब्लॉग नवरात्रि का स्किप कर दिया था, लेकिन आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और आज काम है बहुत सारे, अभी घर के काम निपटाने हैं, घर के काम निपटाने के बाद सिद्धार्थ के स्कूल जाना है। सिद्धार्थ ने पेपरों में क्या किया है वो देखने के लिए बुलाया है स्कूल में, नोटबुक वगैरह पेपर शीट वगैरह दिखाई जाएगी, तो वहाँ जाना है। उसके बाद मार्केट जाना है कन्याओं के लिए सामान लेने, क्योंकि अष्टमी है 11 तारीख की, अष्टमी और नवमी सब इकट्ठी करेंगे, क्योंकि जो चौथा और पाँचवा नवरात्र आया था वो साथ में आया था। और अष्टमी हो रही है 10 तारीख को 12:30 बजे स्टार्ट, तो 12:30 बजे हम लोग कन्या नहीं जमाएंगे दिन में, क्योंकि सूर्योदय की मानी जाती है, इसलिए अष्टमी नवमी जो भी लगेगी, तो इसलिए हम अष्टमी जमाएंगे 11 तारीख की गाइस, ठीक है। कायदे से वैसे तो 10 तारीख को बैटरी है, लेकिन 10 तारीख को 12 बजे के बाद, 12:30 बजे के बाद आ रही है, तो इसलिए हम नहीं करेंगे, इसलिए हम 11 तारीख को अष्टमी कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग कब कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बता देना। और अब हम जाते हैं काम निपटाने, काम निपटाते हैं घर के, फिर इसके स्कूल जाएंगे, स्कूल से थोड़ा सा काम भी बाहर वो निपटाएंगे, कन्याओं के लिए क्या लाना है वो देखेंगे, है ना। तो गाइज हाँ, मार्केट जाना है, थोड़ा सा काम है, कंचुकाओं को क्या गिफ्ट देना है वो देखना है, प्लेट वगैरह तो लेके आते ही हैं खैर, तो और साथ में क्या देना है वो देखेंगे। मार्केट जाएंगे शर्मा जी और मैं, शायद पापा भी जाएँ शाम के टाइम, ससुर जी पापा मेरे चले गए हैं केदारनाथ गए हैं, सुबह 3 बजे निकले हैं, आए थे चले गए, बाकी देखते हैं हम लोग कुछ काम वाम निपटाते हैं, फिर हम लोग भी निकलेंगे। इसका नाश्ता बनाओ, मैडम नाश्ता दे दो, नाश्ता दे दो, करता रहे, है ना। ठीक है गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइज यहाँ मैं निपटा रही थी घर के काम, ब्लैंकेट वगैरह तैयार कर रही थी, बेडशीट वगैरह थी, सिद्धार्थ ने छोटा ब्लैंकेट ओढ़ा था, ये सब था, तो मैं इन सब की तय मार रही थी। तय करने के बाद मैंने अपने अपना झाड़ू वाड़ू लगाया, पहले मैं मंदिर वाले रूम में आ गई थी क्योंकि जल्दी जल्दी काम निपटाना था, उसके बाद मुझे जाना था सिद्धार्थ के स्कूल में, पेरेंट्स मीटिंग थी क्योंकि सिद्धार्थ का एग्ज़ाम वगैरह हुआ था, तो देखना था क्या करवाया है, क्या करा सिद्धार्थ ने स्कूल में, क्या नहीं करा, तो इसलिए पेरेंट्स मीटिंग रखी गई थी स्कूल में, तो वहीं के लिए रेडी होना था। तो मैंने पहले बाहर वाले रूम में झाड़ू लगाई, फिर मैं अंदर वाले रूम में झाड़ू लगाने आई, और यहाँ प्लीज़ बैकग्राउंड आ रहा है शर्मा जी के खराटे, तो इग्नोर करना, ठीक है। तो उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं गई थी किचन में सिद्धार्थ के लिए नाश्ता बनाने, क्योंकि सुबह उठते फिर भूख भूख करता है इसलिए, तो मैंने इसे पहले फटाफट से पराठे पराठे बना के दिए मैंने सिद्धार्थ को, तो फिर यहाँ सिद्धार्थ को नाश्ता वास्ता कराया मैंने। उसके बाद सिद्धार्थ को मैंने नहलाया, नहला के मैंने अच्छे से रेडी करा उसका डेली का, मतलब ये रूटीन तो है ही बच्चों के साथ, कब टाइम सुबह हो जाती है कब दिन हो जाती है पता ही नहीं चलता। अब जब से ट्यूशन वगैरह लगाया तो मतलब ऐसा लोड पड़ गया है ना, स्कूल का होमवर्क ट्यूशन का होमवर्क डबल डबल हो गया है, तो बट कोई ना, करना तो है ही। तो यहाँ सिद्धार्थ को अपना रेडी करा मैंने अच्छे से, वो भी अच्छे से ड्रेसअप हो जाता है, उसे बहुत शौक है ड्रेसअप होने का। तो गाइज सिद्धार्थ को यहाँ कर दिया रेडी नहला के, और मैं जा रही हूँ नहाने, रेडी होके आते हैं, काम सारा हो गया है, और ये रहा सिद्धार्थ पीछे रेडी होके बैठा है, स्कूल जाना है, देखना है स्कूल में जाके क्या करके आया है क्या नहीं। और इधर आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ मुझे सब कहते हैं सिद्धार्थ के बाल बहुत अच्छे हैं, सिल्की है, तो उसका राज क्या है, क्या सिद्धू के बालों का राज है, बड़ा होना बोलते, बड़ा होना नहीं है। मैं सिद्धार्थ का एक तो डेली हेड वॉश करती हूँ, वो भी शैम्पू से, और हेयर ऑयल नहीं लगाती हूँ मैं इसके, क्योंकि हेयर ऑयल से ना एक तो गर्मी है चिपचिपाहट हो जाती है इसलिए, और शैम्पू से डेली मैं वॉश करती हूँ। अभी भी देख लो कितने सॉफ्ट एंड सिल्की बाल हैं इसके शुरू से ही, है ना, सब तारीफ करते हैं सिद्धार्थ के हेयर की, है ना। हाँ तो हम भी चलते हैं नहाने, रेडी होके आते हैं, क्या पहनूँ, सूट साड़ी, सूट ही पहन लो, साड़ी नहीं क्यों, सूटी पहनना, तो साड़ी क्यों नहीं, साड़ी पहनना, साड़ी पहन लो, ठीक है चलो मिलते हैं गाइस। तो गाइस नहा के हो चुकी हूँ रेडी, इधर सिद्धार्थ भी रेडी है, उधर सब चल रही है पूजा की तैयारी, बस फटाफट से पूजा करके हम लोग हवन करके निकलते हैं सिद्धार्थ के स्कूल के लिए, ठीक है। और सिद्धार्थ साइलेंट आज पहनना था रॉयल ब्लू, तो बट रॉयल ब्लू मैंने स्टार्टिंग में पहन लिया था, तो इसलिए मैंने रेड एंड ब्लैक पहना है, कुछ ऐसी साड़ी है, ठीक है, बाकी दिखाएंगे लुक बाद में, फटाफट से कर लेते हैं पूजा, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद।
सच्चे दरबार की जय। हे माता रानी, सर्वनाम के संकट में दूर नाम के तो यहाँ हवन होने के बाद हम लोग कर रहे थे पूजा। आरती मेरा रोज का रूटीन है, आरती वगैरह करती हूँ मैं। अभी माता के 9 दिन है, कब निकल गए पता ही नहीं चला। आज सप्तमी थी तो सप्तमी के दिन मतलब वही है डेली का पूजा वगैरह करी मैंने, पाठ पढ़ा मैंने, अपनी 40 वगैरह करी। और उसके बाद सिद्धार्थ के स्कूल जाना था पेरेंट्स मीटिंग में, उसके बाद वहीं से हम लोग मार्केट निकल गए थे। कन्याओं के लिए भी सामान लेके आना था, गिफ्ट वगैरह, प्लेट्स वगैरह, तो वो सब हम लोग लेने गए थे मार्केट में। हवन हो गया है और ये है आज का मेरा कुछ लुक, कैसा लग रहा है? आपको शादी बात कर दी, आपको तय करे तो कुछ ऐसा लुक है मेरा। कैसा लगा आज का लुक हमने जरूर बताना। रॉयल ब्लू पहनना था ये वाला, बट ये मैंने स्टार्टिंग में पहन लिया था तो मैंने इसलिए रेड डाला है। रॉयल ब्लू मैंने सिद्धार्थ को पहना दिया है। तो ये साड़ी कैसी लग रही है आपको? पहले चलती थी ना ऐसी प्रिंटेड साड़ियाँ, सो वही डाल दी, हल्की फुल्की लाइट वेट साड़ी है। दाई आपको दाते दाते डाई करना लुक तो कमाल का हाल लग ही रहा होगा। मम्मी दांतों कर दो, तेरे ऐसे रखो स्कूल। दाते दाते डाई करना भूलना नहीं, बाय बाय। अभी एंड थोड़ी कर रहे हैं वीडियो का, एंड बाकी है। निकल गए स्कूल के लिए, अंदर को खोलना गेट। हो कैसी लग रही हूँ मैं? मस्त कॉम्प्लीमेंट पास कर दिया करो तो गाइस अभी सुन ला कॉम्प्लीमेंट। जय माता दी, जय माता दी, अच्छी लग रही है बहुत। थैंक यू, कहा था ना अभी कॉम्प्लीमेंट सुनना दिए दीदी है। कहा उधर तो जा रहे सिद्धार्थ के स्कूल। तो कौन सी पसंद क्या जो आपको मैं फिर फोन करूँ? ये देख चुन्नी जरूर देनी। कैसे हैं? मेन तो चुन्नी का ही होता है, मगर भाई मार्केट में देख रहे हैं कन्याओं के लिए भी सामान वगैरह। मैं कैमरा करके दिखा दी, धूप बहुत तेज हो रही है। हो गए बॉक्स ऐसे में ही लूँ या बोलूँ? पर वो लड़कियाँ कहते हैं कि वो दिखाना आंटी बच्चों को वो चीज दो जो बच्चे यूज कर यूज कर ले। ये एक ही बॉक्स है, ये पर्स है, यही करो, कुछ नहीं होती। ये हो गया, भाव होता है, ये हो गया। नहीं लड़के ना एक बार को ना ये बॉक्स देख, जैसे आप पेंसिल और ये दे रहे हो ना लोग तो अलग से खुश हो जाते हैं थोड़ा। और नहीं तो भैया पैसे देना तो वो तो पैसे तो फिर भी देते हैं, देखो वो चीज़ अलग है। वो तो नहीं गिफ्ट के, गिफ्ट तो जो लड़की को दो तो वो अपने आप ही खुश हो जाती है। फ्रंट पे कर रहा है, बैक पे नहीं। फ्रंट से साफ होएगा, बैक से भी करनी पड़ेगी। बैक से फिल्टर लगाता। तो गाइस ये लिए मैंने कपड़े लिए, बाल बहुत छोटे हो गए। कितने रेट में दीदी? 9 है रुपये। वो दे दो। तो हम यहाँ सिद्धार्थ के स्कूल से सीधा आ गए थे मार्केट में कन्याओं के सामान लेने के लिए, जो कि कंच का पूजन के लिए चाहिए था गिफ्ट्स वगैरह, तो वो लेने हम लोग मार्केट आ गए थे। तो जो सामान मुझे पसंद आया था वो मैंने देख लिया था, कुछ अपने लिए भी पसंद आया था तो वो भी मैंने ले लिया था। लोग बैठे हैं इधर बाइक पर, सिद्धू के स्कूल से आ गए हैं हम, परफॉर्मेंस घर जाके बताएंगे है ना। तो गाइस यहां से ले लिया मैंने सामान जो भी पसंद आया था, ये लिया है। शर्मा जी का बर्थडे, शर्मा जी को जूस पिला रहे हैं, थोड़ी एनर्जी आएगी, एनर्जी ड्रिंक। कूड़ा वहाँ डाला हुआ डस्टबिन में। गाइस मैंने अकेले नहीं, इन दोनों ने भी पिया है। हाँ हम मिडिल क्लास है, हाई क्लास है। और यहाँ भी देख लो शॉपिंग चल रही थी।
अभी ये शॉपिंग करी है, गर्मी लग गई है, धूप तेज है, धूप तेज लग गई है, तो जूस पी रहे हैं फिलहाल। उसके बाद चलते हैं अगली शॉप पे, फिर शाम को फिर जाना है, फिर शॉपिंग करनी है। बहुत शॉपिंग करते हैं ये लोग, ये माँ बेटे बहुत तेज है ना। ये पैक पूरा पी गए, पटियाला पैक। चलो गाइस मिलते हैं आगे। हो गई घर में एंट्री, अब चाय चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, भूख लग रही बड़ी जोर की। शर्मा जी को चाय वगैरह देती हूँ बना के, ठीक है। मैं भी इधर सिद्धू को भी भूख लग रही है, नाश्ता कराऊँ। चाय दो दो। तो मार्केट से आने के बाद हम लोग यहाँ नाश्ता वगैरह कर रहे थे, तो मैं शर्मा जी को कुछ बात बता रही थी कि किसी ने ना यूट्यूब पे कमेंट किया था मेरे व्लॉग पे कि आप जब वेलकम करते हो ना तो हमें डर लगता है, हम डर जाते कि आप वेलकम करते हो या हमें डराते हो, क्योंकि क्या है मेरा वेलकम जो होता है ना जोरदार होता है, ज़बरदस्त। चलो अच्छा है, एटलीस्ट कम से कम कमेंट आने तो स्टार्ट हुए ना व्लॉग्स वगैरह पर, तो अच्छा लगा। तो गाइस यहाँ हम लोग शाम को दोबारा मार्केट गए थे प्लेट्स वगैरह लेने के लिए, वो क्लिप पता नहीं कुछ दिक्कत आ रही है, स्पैट नहीं हो पा रही है, तो क्लिप मैं हो सके तो नेक्स्ट व्लॉग में जोड़ दूँगी, ठीक है, तो वो देख लेना। तो यहाँ आके मार्केट से आके हमने चाय वगैरह पी, चाय वगैरह पीने के बाद पापा पी आ गए थे, पापा को पानी वानी दिया, उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई, रोटी बनाई, मतलब आलू पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, वो आपको आगे देखने को मिलेगी। मेरा खाना, इधर सब्ज़ी बस हो ही रही है ऑलमोस्ट, उधर रोटी भी बन चुकी है, इधर रोटी बन गई है, बाकी शर्मा जी अपना खाना बनाएंगे बर्थ का इधर। तो मैंने यहाँ पे बनाई थी आलू और पनीर की सब्ज़ी, वो भी बिना हल्दी के और बिना टमाटर के, पहली बार ऐसी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, जो कि मैंने कहा हम लोग भी खा लेंगे और शर्मा जी भी खा लेंगे। तो पहले सोच टमाटर वगैरह तो काटे थे मैंने, बट मैंने फिर डाले नहीं, मैंने कहा ऐसा करते हैं नॉर्मल बनाती हूँ, शर्मा जी भी खा लेंगे बर्थ के अकॉर्डिंग। देख रहे हो ना, इसमें ना हल्दी है और ना टमाटर है। हो गया भूख रेडी, फिर आज बनाई है शर्मा जी ने कुट्टू की पूरी, ये बना रहे हैं इधर, सकते हो हलवाई साहब लगे पड़े हैं। तो मैं भूख लगा लेती हूँ फिर मिलती हूँ। आलू पनीर की सब्जी पहली बार बनाई बिना आलू टमाटर के, छौंका लगा ली थी बाद में अपने लिए, फिर मैंने कहा रहने तो क्या लगाना है, खा लेंगे प्रसाद की तरह ही, तो बनी ना। तो गाइस कुछ ऐसी बनी है सब्जी, सबको अच्छी लगी, पापा जी को भी, इनको बताई। तो गाइस चलो खाना खा लेते हैं, बाकी ब्लॉग का एंड तो मैंने पहले कर दिया था, ये क्लिप बाद में उसी में ऐड हो जाएगी, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस इधर पूजा भी हो गई है, आके थोड़ी ब्राइटनेस पानी की कम हो जा रही है। हाँ तो इधर पूजा भी हो गई है शाम की, बस मंदिर वो मार्केट गए थे, थोड़ा सा लेट हो गए आने में, तो बस आके फटाफट हमने चाय शाय पी, सबको पानी वानी दिया मैंने पापा और, उसके बाद मैंने चाय शाय बनाई, उसके बाद बस खाके फटाफट से आलू और पनीर की सब्ज़ी बनाई विदाउट हल्दी और विदाउट टमाटर, क्योंकि शर्मा जी भी खा लेंगे आलू पनीर, तो उसमें से इनकी निकाल के बाद में मैं टमाटर का और हल्दी का छौंका अपने लिए पापा के लिए लगा लूँगी, है ना। तो बाकी बस, और कंचकाओं के लिए क्या सामान लाए वो आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी लाए अच्छा लाए हैं, प्लेट वगैरह तो होती है खाने की, क्योंकि है ना बाकी का सामान कल आ जाएगा, फ्रूटी चिप्स और फल फ्रूट जो भी हैं वो कल शर्मा जी जाएंगे सिद्धू को लेने स्कूल, तब लाएंगे, है ना। तो मैंने कहा इकट्ठा ही आपको ब्लॉग में दिखा दूंगी, और बाकी घर का जो भी राशन वगैरह है छोले चने ये सब भी आएगा जो बनेगा, तो वो भी शर्मा जी कल ही ले आएंगे एक साथ, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ज्ञानी की शर्मा ऑफिशियल, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और बाकी अष्टमी हम लोग करेंगे 11 तारीख की, क्योंकि 11 की अष्टमी है, कल का एक बर्थ एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो बस यही था, बाकी देख ही लिया आपने तो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा, क्योंकि ब्लॉग यहाँ पर ना 22 मिनट 23 मिनट का लंबा हो ही जाता है, ठीक है। और एक कल परसों के ब्लॉग में कमेंट आया था कि क्या ब्लॉग का वेलकम करते हो या हमें डरा देते हो, तो एक्चुअली क्या है मेरी वॉइस ही ऐसी है, कहता ना कड़क, मेरी बोली जो है ना वो कड़क है, ठीक है। और आज लाइव बैठी थी इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे किसी ने बोला क्या बप्पी ले, हाँ नहीं आप गोल्ड बहुत पहनती हो, तो यस मुझे गोल्ड बहुत पसंद है पहनना, तो मैंने यही रिप्लाई दिया, मैंने कहा हाँ बप्पी लहरी की बहन हूँ ना छोटी इसलिए, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वगैरह यार मुझे सूट भी नहीं होता और मैं पहनती भी नहीं शुरू से ही,
ठीक है गाइस, इसी के साथ हैं ब्लॉग का एंड। ब्लॉग पसंद आया होगा तो दब्बा के लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार, दब्बा के शेयर करो दब्बा के ब्लॉग को मेरे, ठीक है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना जरूर जरूर मत भूलना, क्योंकि जिससे कि आपको मेरे अगले ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिल जाया करे, ठीक है। बाय बाय।